हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह वापस से मैं एक और न्यू रेसिपी लेके आ चुकी हूँ आप लोग के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने गांव के स्टाइल में एकदम सूखा सूखा झींगा, जो कि आप लोग ने शायद ही पहले कभी बनाया होगा, और ये बहुत ही टेस्टी होता है बनाने में। तो चलो हम लोग बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हम लोग पहले इसका मसाला पीसेंगे। तो मसाले में मैंने ले ली हुई कुछ हरी मिर्च है, हरी मिर्च उसको तोड़ के और धो के अच्छे से उसके अंदर डाल देंगे। 5 से 6 लहसुन की कली, एक कटा हुआ प्याज मीडियम साइज में, और थोड़ा सा सरसों, ये सब डाल के हम लोग एकदम बारीक इसको पीस लेंगे। और अब ये ले ली मैंने झींगा, उसको पहले अच्छे से साफ कर ली। उसका मैंने छिलका नहीं निकाली थी, बस अच्छे ऐसे उसका जो काटा होता मतलब आगे का वो होता है वो कट करके और उसको धो ली थी, उसका पूरा छिलका मैंने नहीं निकाली थी। फिर इसको देखो मैं इस तरह से धो ली, वॉश कर ली अच्छे से, और इसका पानी भी अच्छे से निकाल ली थी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी मैंने, तो पानी जो था वो अच्छी तरीके से निकल चुका था। और अब जो हम लोग शुरुआत में मसाला पीसे थे उसमें से आधा हम लोग इसके अंदर रख लेंगे। जितना झींगा है आपके पास उतना ही मसाला पीसो। और ये एक कटा हुआ टमाटर मीडियम साइज में, इसको हम लोग डाल के और अच्छे से हाथों की मदद से मिला लेंगे सबको, झींगे को और मसाले को। तो ये देखो इसको सबको इस तरह से अच्छी तरीके से मिलाना है, सब झींगे में मसाले को मिक्स करना है अच्छे से। तो जो मसाला है वो मिक्स हो चुका है सभी झींगे में। तो अब हम लोग ले लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर पहले हम लोग उसको सूखने देंगे क्योंकि उसके अंदर पानी था थोड़ा सा, इसके लिए पहले उसको हाई फ्लेम पे सूखने देंगे। फिर इसके अंदर तेल डालेंगे, मैंने जो डेली में यूज़ करते ना वो तेल ली हूँ, आप भी वही तेल ले लो जो डेली में यूज़ करते। फिर अब जो तेल है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर सरसों डालेंगे हम लोग, और सरसों केयरफुली डालना है क्योंकि सरसों डालने के बाद चिटकने लगता है, और इसको ढक्कन लगा देना है सरसों डालने के बाद ताकि चिटक के आँख पे ना आए। फिर थोड़ी देर बाद खोल के और इसके अंदर जो हमने झींगा मिलाया था ना हाथ से वो डाल देना है, और डाल के इसको चम्मच से नहीं चलाना है, मैं बता दी आप लोगों को कैसे चलाना है इसको। बस ऐसे ही हैंडल इसका पकड़ के और ऐसा घुमा देना है कढ़ाई को, क्योंकि वैसे भी ये मिला हुआ है तो इसको ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग एकदम सूखा बनाने का तो चलाना नहीं है इसको। और अगर आप लोग का ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आप लोग को ऐसा करना नहीं आता, तो आप लोग चम्मच से ही चला लो, चलाओ के बाद बस थोड़ा सा हिला लो उसमें हो जाएगा। फिर इसको 1 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पर खोल के पकाई थी, तो देखो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अब ये जले नहीं, इसके लिए मैं इसके अंदर बस थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बस जले ना इसके लिए। मैं बिल्कुल भी इसको ग्रेवी वाला नहीं बनाने वाली, एकदम सूखा बना रही हूँ मैं इसको। तो देखो इसको मैं चला लूँगी अब। तो देखो जो झींगा था उसको मैंने अच्छे से सेट कर ली हूँ बना के, सॉरी मिला के, और ये इसके अंदर अब उबालना शुरू हो चुका है जो भी पानी था इसके अंदर, तो मतलब ये अब रेडी है पकने के लिए। तो हम लोग ढक्कन लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, इसको हाई फ्लेम पे ऐसे ही पकाएंगे। तो देखो इसके अंदर जो पानी है वो अभी सूखा नहीं है इसका, पूरी तरीके से आधा सूख गया है पूरा। तो देखो जो झींगा है वो अब मतलब रेडी होने की कतार पे आ चुका है, लेकिन अभी हुआ नहीं जब तक इसका पानी सूखे ना, जब तक इसको रेडी मतलब ये रेडी नहीं होगा झींगा, पूरा पानी इसका सुखा लेना है। तो हाई फ्लेम पे अब इसको खोल के पकाना है कुछ देर के लिए ऐसे ही। तो देखो जो पानी है वो पूरा सूख चुका है, और जो मेरा झींगा है वो हो चुका है रेडी। तो मैं इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ऐसे खोल के मैंने पकाई थी, इसके लिए जो पानी था वो सूख चुका था, और अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे, फ्लेम को लो कर देना है। और अब बंद करके थोड़ी देर के लिए ऐसे खुला छोड़ दी थी, और अब मैं आप लोगों को साफ करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा होता है माशाल्लाह, मेरे गांव में इसी तरीके से बनाया जाता है, इसके लिए मैंने सोची आप लोग के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ इस तरीके की। तो ये रेसिपी थी मेरी आज की, आप लोगों को कैसी लगी वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों को ये कितना पसंद है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे इधर बहुत ज़्यादा खाते हैं गाँव में भी, और यहाँ पर भी मुंबई में बहुत पसंद होता है मराठी लोग का तो ज़्यादा ही। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखो झींगा बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका था और बहुत जूसी भी हुआ।
था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।